हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गीकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मी का सीजन चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग एसी भी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जो प्रॉब्लम आता है वो है आपका बिजली का बिल। अब ये बिजली का बिल को कैसे आप थोड़ा कम कर सकते हो एसी के यूज करने के बावजूद भी, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज इसके इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ऐसा कौन सा टिप्स है जो आप मेंटेन करोगे तो शायद आपका बिजली का बिल थोड़ा बहुत कम आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला जो नियम है वो है कि आप एसी को कम से कम टेम्परेचर के अंदर चलाइए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उसे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर चलाइए, तो आपका जो एसी है वो कम से कम बिजली लेगा। तो इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर बाहर का टेम्परेचर 36 डिग्री है, अब मान के चलिए 36 डिग्री है बाहर का टेम्परेचर, तो अगर आप एसी को 30 डिग्री में चलाओगे तो ज्यादा करंट सेव होगा, क्योंकि उसको जो टेम्परेचर को ड्रॉप करना पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। अगर आप उसी एसी को अगर आप 16 पे चलाओगे तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर का गैप है, तो उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रिक का बिल है, जो आपका बिजली का बिल है, ज्यादा से ज्यादा आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे टिप्स के ऊपर। जो दूसरे टिप्स है वो है कि आप आपके घर में जब एसी चला रहे हो तब कभी भी सीलिंग फैन को इस्तेमाल मत कीजिए। इसके पीछे जो वजह है वो है कि आपके जो सीलिंग का जो गर्मी है वो गर्मी वो जो सीलिंग फैन है वो वहां से फिर से नीचे कर देगा। तो इसी वजह से जो एसी है उसे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको ठंडा करने के लिए। तो आप उस टाइम के अंदर सीलिंग फैन को यूज मत कीजिए। अगर आपको फैन चलाना ही है तो आप टेबल फैन को यूज कीजिए या फिर स्टैंड फैन को यूज कीजिए, इस तरह के फैंस को यूज कीजिए, पर सीलिंग फैन को यूज मत कीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टिप्स के ऊपर। तो तीसरा टिप्स है वो है कि आप जो अगर आपका स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी छोड़िए अगर कोई भी एसी है, तो उसका जो आउटडोर यूनिट है, अगर एक विंडो एसी भी होता है तो उसका वही तो एक आउटडोर पार्ट होता है। तो अगर वो आउटडोर पार्ट यानी कि आउटडोर यूनिट, मैं स्प्लिट एसी की बात करूं, तो अगर आप आउटडोर यूनिट को लगा रहे हो तो आउटडोर यूनिट को ऐसी जगह पे लगाइए जहां पे सनलाइट कम आता हो, यानी कि आता ही नहीं हो। तो इस जगह पे आप जो आउटडोर यूनिट है उसे लगाइए, क्योंकि अगर आउटडोर में अगर सनलाइट आता है तो वहां पे टेम्परेचर आउटडोर यूनिट का बढ़ जाएगा। तो अगर आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो एसी है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लग जाएगा, क्योंकि एसी कैसे समझाता है उसे कितना टेम्परेचर में रखना है, उसे समझने के लिए वो बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से घर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो अगर आप बाहर के टेम्परेचर अगर जहां से ज्यादा सनलाइट आ रहा है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर आउटडोर यूनिट का आप वहां पर रखोगे तो ज्यादा गर्मी पैदा होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे चौथे टिप के ऊपर। तो चौथा टिप है वो है कि अगर आप एक इन्वर्टर एसी यूज करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा बिजली को बिल को बचा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ इन्वर्टर एसी कैसे आपका बिजली का बिल सेव कर सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर मैं एक नॉर्मल एसी की बात करूँ, तो नॉर्मल जो एक एसी है, नॉर्मल जो स्प्लिट एसी है, तो वो क्या करता है कि आप जब भी एसी को ऑन करोगे तो वो बिल्कुल जाके फुल उसका फुल पावर में चालू हो जाएगा, फिर थोड़ी देर पर ठंडा होने के बाद उसे बंद कर देगा, फिर वो जाके फुल पावर में चालू हो जाएगा, फिर ठंडा कर देगा, फिर गर्मी होगा, फिर ऑन ऑफ, इस तरह से होता रहता है। तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है, इन्वर्टर एसी जब पहले चालू होगा वहां से ही वो धीरे 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 करके टेम्परेचर को गिराएगा। जैसे कि आपने 30 डिग्री सेट किया हुआ है तो पहले 30 डिग्री पे धीरे 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 अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, मतलब अपना पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाएगा और 30 डिग्री में लेके आएगा। फिर आपका एसी कभी बंद नहीं होगा, एसी कांस्टेंट चलता रहेगा, पर कैसे कैसा चलेगा कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर मान लीजिए उसे 20% पे चलना जरूरी है, तो एसी उसे 20% में अपने कंप्रेसर को चालू रखेगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो पावर जंप है, जैसे कि अप डाउन, एक बार ऑन हो गया, एक बार ऑफ हो गया, एक बार ऑन हो गया, एक बार ऑफ हो गया, ऐसा होगा नहीं। तो इस केस में भी आप ज्यादा से ज्यादा बिल को बचा सकते हो। और इन्वर्टर एसी की मैं बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप ये बात को भी ध्यान में रखिए कि अगर आप इन्वर्टर एसी यूज कर रहे हो तो पहले जब एसी को चला रहे हो उसी टाइम पे, अगर मैं पहला जो 1 घंटे की बात करूं, तो अगर आप अपना जो मीटर देखोगे वहां पे देखोगे बहुत ज्यादा यूनिट आ रहा है, मतलब कि वहां पे जो बिजली का बिल है वो 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट हो गया है। तो आप इससे डरिए मत, अगर आप एसी को 4-5 घंटे इस्तेमाल करोगे तो 4-5 घंटे ऐसा मत मान लीजिएगा कि वहां पे 10 यूनिट या फिर इस तरह का कुछ बहुत बड़ा एक काउंट नहीं होगा। उस केस में आपको कम से कम ही होगा, जैसे कि मैं जैसे यूज कर रहा हूँ इन्वर्टर एसी यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैं कम से कम दिन में 3-4 घंटे या फिर 5 घंटे एसी यूज करता हूँ। तो उस केस में आपको
कम से कम बिल आएगा। जैसे कि मैं अगर मैं पहला बात करूं तो पहला जो 1 घंटा है वहां पे 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट भी हो जाता है कभी कभी, तो उसके बाद वाले जो आवर्स है वहां पे जो यूनिट है वो कम होगा। जैसे कि मेरा अगर बात करूं तो मुझे कितना होता है डेली, 3 यूनिट या फिर 4 यूनिट हो जाता है 5 से 6 घंटे के इस्तेमाल से, तो ऐसा ही कम होगा आपको, ज्यादा नहीं होगा। इन्वर्टर एसी के केस में मैं ये बात आपको बताया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर। जो नेक्स्ट टिप है वो है कि आप जब एसी को यूज कर रहे हो तो आपके घर में जो वेंटिलेटर्स है या फिर जो आपका दरवाजे का जो गैप है उस सारे गैप्स को कम से मतलब उस सारे गैप्स को क्लोज करने की कोशिश कीजिए। या फिर आप सारे रूम्स का जो विंडो है, जैसे कि ये सारे विंडोज आप देख सकती है, यहाँ पे बहुत सारे विंडोज है। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा क्योंकि वहां पे विंडोज है, तो विंडोज को आप ऐसे पर्दे से कवर कर लीजिए। ये सिर्फ ये वजह नहीं है कि ये देखने के लिए अच्छा है, यहाँ पे एसी चल रहा है इसीलिए मैंने बता रहा हूँ कि यहाँ पे पर्दे से कवर कर लीजिए, देखने में भी अच्छा होगा और आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा। क्योंकि यहाँ से जो बाहर का गर्मी है वो अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बीच में जो है वो एयर गैप तैयार हो रहा है। तो अगर आपको पता है कि एयर गैप जब भी तैयार होता है तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर उतना ज्यादा नहीं आ पाता है, तो ये भी है। और जो पर्दा आप लगा रहे हो, पर्दा भी काफी अच्छा क्वालिटी का लीजिए, काफी मोटा पर्दा लीजिए तो ज्यादा एफिशियंट है वो मोटा पर्दा। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के ऊपर। जब आप अपने रूम में अकेले हो तो आप ऐसा कीजिए कि जो एसी है उसे ऐसा कर दीजिए कि उसका जो फैन स्पीड है बहुत कम कर दीजिए। तो जैसे कि मेरा जो फैन स्पीड है वो काफी कम है, इसके पीछे वजह एक तो बिजली का बिल है, दूसरा वजह है मेरा रिकॉर्डिंग का टाइम, तो रिकॉर्डिंग के लिए भी मुझे थोड़ा साउंड कम चाहिए, तो इसीलिए मैं ऐसा करके रखता हूँ। तो आप जितना हो सके फैन का स्पीड को कम रखिए। अगर फैन का स्पीड ज्यादा कम रखेंगे आप तो आपका जो बिजली का बिल है उस केस में भी थोड़ा सा कम तो होगा ही होगा। और अगर आप एक इन्वर्टर एसी को यूज कर रहे हो तो मैं उसी बात मैंने बताया नहीं, अभी बता देता हूँ कि जब आप इन्वर्टर एसी को यूज कर रहे हो तो इन्वर्टर एसी को कभी भी ऐसे ही बंद मत कर दीजिए। जैसे कि मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको कोई बाहर से बुला रहा है तो आप घर से बाहर जा रहे हो, तो मान लीजिए आप थोड़ा ही 10 से 20 मिनट के बाद आओगे, तो उस केस में आप एसी को बंद मत कीजिए। अगर उस केस में आप एसी को बंद करोगे तो फिर से ज्यादा करंट कंज्यूम करेगा, तो आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो एसी है वो ज्यादा से ज्यादा करंट लेगा, क्योंकि उस केस में आप उतना सेविंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे जब भी चालू होगा तो फिर से एसी वैसे आपका 40% या 60% 70% से करके वो फिर से वो 100 में ले जाएगा, आपके घर का टेम्परेचर को एडजस्ट करेगा, जैसे कि 30 पे सेट किया 30 में लेके आएगा, फिर वो जाके खुद का जो पावर है वो गिराएगा, क्योंकि आपका जो 20 मिनट के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। तो यही कुछ टिप्स थी दोस्तों इस एसी के साथ पावर को सेव करने के लिए। तो दोस्त ये भी है कि आप एसी जब खरीदते हो तो आपको ये भी चीज को ध्यान में रख के खरीदना है कि आपका जो बिल है वो ज्यादा आएगा। पर कुछ टिप्स है जो मैंने बताया आपको कि इस सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। आप कोशिश कीजिए इस सारी चीजों को फॉलो करने का। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपका कोई वीडियो पसंद आया जरूर से एक लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो इस चीज से रिलेटेड, इस एसी से रिलेटेड या फिर मेरे एसी से रिलेटेड, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।